हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री AITS पेपर टेस्ट नंबर 6 कोड ए एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन 14 जनवरी 2023। टॉपिक हमारे डिस्कशन का फॉर द जूलॉजी इज श्वास और श्वसन, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन जूलॉजी का। पहला क्वेश्चन नंबर 136 है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अमोनोटेलिज्म, जो भी एनिमल्स हमारा अमोनिया को रिलीज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म। तो यहाँ से थोड़ा सा थ्योरी हम गैदर करें, अमोनिया कौन रिलीज कर सकता है, वो रिलीज करते हैं जो वाटर में रहते हैं। कौन से वाटर में बेटा, फ्रेश वाटर के अंदर। तो देखते हैं अमोनोटेलिक, एक्वेटिक इंसेक्ट्स बिल्कुल, एक्वेटिक एम्फीबियंस भी करते हैं, और बोनीफिश जो हमारी फ्रेश वाटर में रहती है। तो ये करेक्ट है, फर्स्ट के साथ ए इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं यूरियोटेलिज्म, यूरिया रिलीज करने वाले, यूरिया का निष्कासन करने वाले मरीन फिशेस, हाँ। टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैमल्स, बिल्कुल सही। तो बी के साथ क्या जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड यूरिकोटेलिक, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एवीज और लैंड स्नेल, बिल्कुल स्थली घोंगा, ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। तो सी के साथ जाएगा बच्चे, थर्ड ऑप्शन सही है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही विकल्प का चयन करना है। ए के साथ फर्स्ट, बी के साथ टू, सी के साथ थ्री, ये आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, सिलेक्ट द ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ओनली, गलत स्टेटमेंट को हमें चयन करना है। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा आर प्रेजेंट इन पेयर्स। क्या ये सारे हमारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं? किडनीज होती हैं, ओके, यूरिटर्स होते हैं, बिल्कुल, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, यूरेथ्रा भी होते हैं। बच्चों की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, किडनी पीले रंग की होती है, नहीं, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, लाल भूरे रंग की होती है। पियर के शेप की होती है, नहीं, पियर के शेप की नहीं होती, बीन के आकार की, सेम के बीन के आकार की होती है। तो ये स्टेटमेंट और ये कथन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत। किडनी इज 15 to 80 centimeters इन लेंथ, 10 to 12 centimeters इन विड्थ, 6 to 8 centimeters इन थिकनेस, बिल्कुल गलत दिया गया बेटा, ये सारी चीज़ें गलत दी गई हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 centimeters, थिकनेस कितनी होती है, 2 to 3 centimeters। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी, गलत। एवरेज वेट ऑफ किडनी इज 90 to 110 grams, ये भी गलत है। कितनी होती है बेटा, 150 to 170 grams। तो हमें क्या करेक्ट, क्या चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 1, 2, 3, 4, ये सारी ही स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत। तो आंसर जाएगा फोर्थ, 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान ए और बी को सही ढंग से भरता है। देखते हैं, किडनी के भीतर वाले भाग में पूछ रहे हैं। देखिए किडनी के दो भाग होते हैं, बाहर वाला वलकुट होता है, अंदर वाला मध्यांश होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। और यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, इस तरीके से त्रिकोण आकार के पिरामिड मिलते हैं, जो किस में खुलते हैं बच्चे, कैलिक्स के अंदर, माइनर कैलिक्स और उसके बाद मेजर कैलिक्स होता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किडनी के अंदर का जो भाग है उसके अंदर क्या उपस्थित होता है। अभी आपको बताया मेड्यूलरी पिरामिड होते हैं, मध्यांश में क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं, जो किस में खुलते हैं, कैलिक्स में। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 के बाद 139, मेलफीजियन बॉडी, मेलफीजी काय किसे कहते हैं। तो बेटा किसको कहते हैं मेलफीजी काय, बाउमेन संपुट व ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, मेलफीजियन बॉडी। या मेलफीजी काय, तो हम ऑप्शन देखते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, नहीं, ग्लोमेरुलस और बाउमेन संपुट, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली हाउ मेनी टाइम्स कंसनट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। देखो आपको याद हो कि अगर हम किडनी की बात करें तो
ब्लड की जितनी ऑस्मोलैरिटी होती है कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और जब नीचे आते हैं हम बिल्कुल रीनल पैपिला की तरफ तो कितनी हो जाती है, 1200 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। ठीक, तो 300 का 1200 कितना हो गया, 4 टाइम्स, 4 गुना, तो उत्तर जाएगा आपका थर्ड, यानी 4 गुना, 140 का थर्ड। नेक्स्ट 141 पढ़ते हैं, शरीर तरल पदार्थों के आयनिक संतुलन और पीएच को बनाए रखने के लिए नलिकाएं द्वारा निसंदन में किससे स्त्रवित नहीं किया जाता। ध्यान देना है हमें, सिक्रीशन के लिए पूछ रहा है बेटा, किसका सिक्रीशन नहीं करते। सिक्रीशन हम किसका करते हैं, H+, K+ और आपके अमोनिया का। किसका नहीं करते हैं, HCO3- का, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, तो फोर्थ आंसर जाएगा। 142, मूत्रजन नलिका के उस भाग का चयन करना है जो जल और विलेय के पुनः अवशोषण का मुख्य स्थल है। बच्चे 70-80% सारी चीजों का जहां पर क्या होती है, ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला होती है आपके PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में, समीपस्थ संवलित नलिका के अंदर होती है। तो उत्तर क्या जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 143, मैच द फॉलोइंग। चलिए करते हैं हम, क्रस्टेशियंस के अंदर बेटा क्या होते हैं, कीट हैं हमारे, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, इनके अंदर क्या होती है बेटा, श्रांगिक ग्रंथियां होती हैं, तो ये इसके साथ सही है। कीट के अंदर मैल्फीजियन नलिकाएं, ये भी बिल्कुल सही है, मैल्फीजियन नलिकाएं होती है करीबन 100 से 150। एनिलीडा के अंदर हमारे नेफ्रीडिया या व्रकक, बिल्कुल सही है। प्लैटीहेलमिंथीज में प्रोटोनेफ्रीडिया बोले या ज्वाला कोशिकाएं बोले, सोलेनोसाइट्स बोले, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ए के साथ क्या जाएगा, 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 एंड 4 के साथ 4। तो आंसर आपका 143 का होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 144, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन कथनों को हमें पढ़ना है, फिर क्या करना है, पहले तो ये देख लीजिए, हमें सही कथन का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो हम पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक हेल्दी बंदे के अंदर कितना होता है, 125 ml/min, बिल्कुल ये तो कथन हमारा सही हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज constitute approximately 1/10 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. ये गलत है बेटा, कितना होता है, कार्डियक आउटपुट का 1/5 होता है, है ना? तो ये स्टेटमेंट, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वासा रेक्टा एक यू आकार की सूक्ष्म रक्त वाहिका है, बिल्कुल, जो हेनले लूप के जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के समानांतर चलती है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, सही कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेफ्रॉन की मेल्पी की कड़िकाएं PCT और DCT मेड्यूला में स्थित होती है, नहीं बच्चे ये किस में होती है, वल्कुट वाले भाग में, कॉर्टेक्स वाले भाग में, जबकि हेनले लूप वल्कुट में होता है, नहीं, हेनले लूप किस में होता है, आपके मध्यांश में, या हम बोले मेड्यूला में। तो इनमें से कौन कौन से कथन गलत हो गए, ए गलत है, ए सही है हमारा, और बी गलत है, सी सही है, और डी गलत है। तो हमें सही चयन करने हैं, तो सही हमारे हैं बेटा, पहला सही है और आपका तीसरा सही है, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन पढ़ते हैं, हृदय स्पंदन दर किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। हमेशा जो भी चीज़ हमारी इमरजेंसी में किसके द्वारा बढ़ाई जाती है बेटा, सिंपैथेटिक के द्वारा बढ़ाई जाती है, देखते हैं। रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलीन, नहीं। इनहिबिशन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, नहीं। पैरासिम्पेथेटिक यानी कि परानुकंपी तंत्रिका के उद्दीपन से, नहीं। किसके उद्दीपन से होती है बेटा, अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 146 देखते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का जब उद्दीपन हो जाता है उससे क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। क्या ये हमारे कंडक्शन की चालकता की क्रियाविभव के चालकता की स्पीड को घटा देगा, बिल्कुल ट्रू है। डिक्रीज कर देगा कार्डियक आउटपुट, डी, बिल्कुल। इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ हार्ट बीट, नहीं, ये काम नहीं करता। ये काम कौन करता है, हमारा
सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी, तो आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया गया है, हमें ए और बी को पहचानना है। देखो आपको ये पता है आर्टरी मतलब क्या होता है, धमनी का अर्थ क्या होता है, जो भी हृदय से दूर जाती है, तो यहाँ पर ये क्या होगी बेटा, हृदय से दूर जा रही है तो कहीं ना कहीं ये कोई होगी धमनी, और जो हृदय के समीप आती है वो क्या होती है हमारी शिरा यानी वेन। तो ये क्या है आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से हमारा अनऑक्सीकृत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली होती है पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी, जो कि ऐसी एक अपवाद धमनी है जो अनऑक्सीकृत रुधिर को लेके जाती है। और वहीं यहाँ पर हम बात करें वेन्स का काम क्या होता है, टुवर्ड्स दी हार्ट लेके आना, और एक ऐसी ही अपवाद वेन है हमारे पास शिरा पल्मोनरी वेन, जो कि हृदय की तरफ ऑक्सीकृत रुधिर को लाती है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। तो ए हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और बी हो जाएगा पल्मोनरी वेन। वैसे भी पल्मोन शब्द किसके लिए आता है, लंग्स, तो ये लंग्स की तरफ जा रही है, ये लंग्स से आ रही है, इसलिए पल्मोन शब्द यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 148, व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमंस अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। देखो एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। हम जो बीपी को नापते हैं एमएम ऑफ एचजी में 120/80, तो 120 क्या होता है बेटा, सिस्टोलिक होता है, और 80 क्या होता है हमारा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान एमएम ऑफ एचजी में। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, डायस्टोलिक दाब, डायस्टोलिक दाब कितना होता है 80 एमएम ऑफ एचजी, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया या मध्य कंचुक का नाम आते ही हमें समझ में आना चाहिए वहां पर कौन सी पेशी पाई जाती है बेटा, चिकनी पेशी पाई जाती है जिसकी वजह से संकुचन व शिथिलन होता है। तो ऐसा कौन सा ऊतक भी इसके साथ एसोसिएटेड होगा, कोलेजन नहीं, वो तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दूसरा कौन सा होता है इलास्टिक, जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि पीले रंग के तंतु पाए जाते हैं। तो अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं, ट्यूनिका मीडिया या मध्य कंचुक में कंकाली पेशी पाई जाती है, नहीं, चिकनी पेशी पाई जाती है, नॉन इलास्टिक फाइबर, नहीं, वहाँ हमें क्या मिलते हैं बेटा इलास्टिक। तो थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, चिकनी पेशी और हमारे इलास्टिक तंतु, तो आंसर जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, इन कथनों को हमें पढ़ना है। एंजाइना पेक्टोरिस, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है भाई, एंजाइना पेक्टोरिस इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एल्डरली, बिल्कुल चाहे मेल हो या फीमेल हो सबके अंदर क्या है ये कॉमन होता क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, किस वजह से दर्द होता है कि भाई हार्ट के पास हमारे हृदय के पास क्या होता है प्रचुर मात्रा में रुधिर नहीं पहुंच रहा है, किस वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब चीज़ें, तो ढंग से ब्लड नहीं पहुंच रहा है पूरी मात्रा से, उसको हम क्या कहते हैं, उसी वजह से सीने में बहुत तेज दर्द होता है, उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो चलिए कथन पढ़ते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कॉमन है मिडिल एज पीपल में, बिल्कुल सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस किस वजह से होता है, बता रहे हैं ऑकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, बिल्कुल अभी मैंने आपको समझाया, तो ये दोनों ही कथन क्या हो गए बच्चे सही, तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेंटिलेशन फुफ्फुस संवातन, देखो चाहे वेंटिलेशन शब्द हो कहीं भी, संवातन शब्द हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रीदिंग, इसका मतलब होता है ब्रीदिंग, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में निष्कासित कर देना। तो चलिए पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, पहला कथन ही सही है, क्योंकि हमने बताया पल्मोनरी वेंटिलेशन का अर्थ क्या होता है ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग का अर्थ क्या होता है टेकिंग इन, अंदर की ओर ऑक्सीजन लेना और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी अंतः श्वसन के समय क्या होता है बेटा, जब भी हमें अंतः श्वसन करना है तो हमें क्या करना रहेगा बेटा, वॉल्यूम को बढ़ाना रहेगा, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या होता है हमारा संकुचन होता है पेशियों में, यहाँ पर हमारी इंटरकोस्टल
या अंतरा परशु का पेशियां होंगी उनमें संकुचन होगा, और इधर डायफ्राम की पेशियों में क्या होगा, संकुचन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आयतन बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, नहीं रिलैक्सेशन नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, बिल्कुल डायफ्राम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। अगर मुझे कभी भी अंतः श्वसन करना है तो पेशियों का क्या कराऊंगी, संकुचन। कौन सी पेशी, डायफ्राम और अंतरा परशु का। तो सेकेंड आंसर ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, फैक्टर्स जो कि हमारे ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम देखें, कुछ फैक्टर्स होते हैं बच्चे कैडेट, जब ये घट जाएंगे तो क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है, या हम बोले एसोसिएशन होता है। किसका एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और क्या निर्माण करेगा, HbO2 whole 4, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कहाँ पर होती है ये क्रिया, आपके लंग्स के अंदर होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ये पूछ रहा है लेफ्ट कर्व, तो लेफ्ट कर्व मतलब क्या हो गया बेटा हमारा, एसोसिएशन, ठीक है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। सी मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ए मतलब एसिडिटी, डी मतलब 2-3 BPG, ई मतलब एक्सरसाइज, और टी मतलब टेम्परेचर। तो ये गलत हो जाएगा, हाई बॉडी टेम्परेचर नहीं, हाई एच प्लस कंसेंट्रेशन नहीं। तो आंसर आपका जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का पूछ रहे हैं लंग्स से टिश्यू में प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा में कितना जाता है देखते हैं बच्चे। एक तो हमारा 7% जाता है, 7% घुलित अवस्था में जाता है प्लाज्मा में। दूसरा 70% जाता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कहां, प्लाज्मा में। तो टोटल किया जाए तो कितना आया, 77%। तो आपका आंसर जाएगा 154 क्वेश्चन का 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाती है तो किस घटक का निर्माण होता है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन कितना मिक्स होती है बेटा, 23%, और क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ ये बंध बनाते हैं। तो निर्माण होता है हमारे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का। तो आंसर हमारा होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ही सही आंसर है। 156 क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमसे पूछा जा रहा है दैहिक धमनियों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब। तो दैहिक धमनी मतलब शरीर में जो हमारी आर्टरी जाती है, आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीकृत ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 95 mm of Hg। तो 156 के लिए हम देखें ऑप्शंस 40, 45, 104, नहीं, क्या आंसर होगा बेटा, फोर्थ, यानी 95 mm of Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट ऑरिकल इज। देखो लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है बेटा, ऑक्सीकृत रुधिर आता है, और इस ऑक्सीकृत रुधिर को लाने वाली एक अपवाद हमारी शिरा होती है जिसका नाम है फुफ्फुस शिरा, या हम बोले पल्मोनरी वेन। तो आंसर आपका 157 का होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक, जहां पर भी ये बलपूर्वक पूछता है तो हमें पता है हमें क्या निकालना होगा, कैसे करेंगे, फिर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात श्वसन कर सकता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो बच्चे, इस ग्राफ से हम समझे, ये हम कह रहे हैं इंस्पिरेशन यानी अंतः श्वसन, यहां हम मार्क करते हैं एक्सपिरेशन, या हम बोले निःश्वसन। तो हमसे पूछा जा रहा है फोर्सफुली हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्सफुली की बात करें हम,
ये तो हो गया टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली फोर्सफुल एक्सपिरेशन को हम बोलते हैं ये वाला चीज, नॉर्मल अंतः नॉर्मल निःश्वसन के उपरांत हम बलपूर्वक किस वायु को बाहर निकाल सकते हैं उसका हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आंसर आपका जाएगा थर्ड यानी ERV। नेक्स्ट क्वेश्चन 159। सी आकार की उपास्थि मनुष्य में श्वसन पथ के किस भाग को घेरे रहती है? श्वास नली, बिल्कुल श्वास नली में होती है। नेजल चैम्बर में नहीं होती है। कूपी की वाहिनी, नहीं वहां भी नहीं होती बेटा। ये सब क्या है, हमारे एक्सचेंज वाला भाग है, वहां पर नहीं होता है। अंतस्थ श्वसनिका में भी नहीं होती है। तो आंसर आपका जाएगा श्वास नली यानी ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन इन ह्यूमंस, जब हम निःश्वसन करते हैं, जब भी हमें निःश्वसन करना होता है तो बेटा हमारे शरीर में जो है प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम। ठीक है, पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी बढ़ जाती है, नहीं। प्रेशर हमारा घट जाता है, नहीं। प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम घटती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, बिल्कुल। जैसे ही हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी, रिलैक्स होगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आंसर भी हमारा क्या जाएगा बेटा, थर्ड। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आंसर क्या जाएगा आपका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 161। कौन सा प्राथमिक कारक हीमोग्लोबिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्तरदायी है? देखो यहाँ ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए एक ही कारक है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन। तो आंसर जाएगा PO2, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब हमारा ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। हीमोग्लोबिन का एक अणु अधिकतम कितनों से संबंध बना सकता है, कितने ऑक्सीजन से? तो बेटा आपको ये रिएक्शन पता है, HB प्लस 4O2 किसका निर्माण करता है, HBO2 होल 4, यानी कुल मिला के कितनी ऑक्सीजन से बंध बनाता है, 4। तो आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट 163। इन मैन थोरैसिक वॉल्यूम इन दी वर्टिकल डायरेक्शन मेनली इंक्रीजेस बाय, देखो हॉरिजॉन्टल मतलब तो क्या हो गया, ये वाला अक्ष यानी डॉर्सल वेंट्रल, और वर्टिकल यानी हो गया ये वाला अक्ष एंटेरो पोस्टीरियर। तो इसमें जब भी हमसे क्या पूछा गया, इस एक्सेस के बारे में, एंटेरो पोस्टीरियर या हम बोले वर्टिकल डायरेक्शन में किसके द्वारा बढ़ता है, तो हम देखें बेटा इस एक्सेस में किसके द्वारा बढ़ेगा, जब भी डायफ्राम का क्या होगा, संकुचन, तो इस एक्सेस में हमारा जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आंसर आपका फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। रीड द गिवन स्टेटमेंट, इन कथनों को पढ़ना है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, एट द लेवल ऑफ लंग्स, ऑक्सीजन रीचेज इन द ब्लड फ्रॉम एल्वेलाई बाय क्रॉसिंग टू सेल्यूलर लेयर। देखो इस स्टेटमेंट को बार बार पढ़ो, अमूमन बच्चे गलत कराएंगे। टू सेल्यूलर लेयर पढ़ के वो सोचते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है, तीन लेयर की होती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, स्पेसिफिकली टू सेल्यूलर लेयर। तो देखो जो शल की उपकला होती है वो कोशिकीय होती है, सेल्यूलर होती है, और दूसरा हम बात करें जो यहाँ पर कैपिलरी होती है, केशिका होती है, वो भी सेल्युलर होती है। पर क्या अधात्री में हमारे कोशिकाएं पाई जाती है, नहीं। तो कुल मिला के हम बात करें, खाली सेल्युलर के बारे में बात की जा रही है, तो दो सेल्युलर लेयर है, क्योंकि अधात्री में कोई भी सेल नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा बेटा, सही। दूसरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट बी। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, बिल्कुल सही NCERT से लाइन। और हम जानते हैं कि जितनी पतली हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगी, उतनी ही जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, गैसेस का विनिमय हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट बेटा सही है, तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165। एवरी 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ऑक्सीजन टू द टिश्यूज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। तो यहाँ एक थ्योरी आप समझिए बच्चे, कि 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन देता है बेटा, 5 ml ऑफ O2 पहुंचाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है 2 लीटर कितना पहुंचाएगा। तो 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ml। तो 1000 ml कितना पहुंचाएगा, 5 × 10 यानी 50 ml ऑफ
ओ टू। तो अगर हमसे 2 लीटर पूछा जाए, 2 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 ml। तो 2000 ml के लिए हम क्या कर देंगे, 50 × 2 दैट इज 100 ml ऑफ ओ टू। तो आंसर हमारा क्या जाएगा बेटा, थर्ड यानी 100 ml ऑफ ओ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन, हमारा श्वसन लयबद्ध केंद्र कहाँ होता है। हमें पता है कहाँ होता है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा में, पश्च ब्रेन का हमारा कहाँ पर होता है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, कॉर्डा टेंडनी का क्या फंक्शन होता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कॉर्डा टेंडनी होते कहाँ पर है। थोड़ा सा एक रफ डायग्राम से हम समझे, ये कॉर्डा टेंडनी इन मसल से जुड़ी हुई होती है और ये जो कपाट होते हैं ना बच्चे, वहाँ से इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हमारा वेंट्रिकल में क्या होगा, संकुचन होगा, प्रकुंचन होगा, तो कहीं रुधिर जो है उल्टी दिशा में ना चला जाए। तो पढ़ते हैं, क्लोजेस द मिट्रल वॉल्व, नहीं। क्लोज करता है सेमिल्यूनर वॉल्व, नहीं। क्लोज करता है हमारे एवी वॉल्व को ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान, नहीं। तो लास्ट ऑप्शन क्या पढ़ते हैं, प्रिवेंट करता है कि कहीं ये एवी वॉल्व जो है हमारे ऑरिकल की तरफ, आलिंद की तरफ ना खुल जाए। कब, जब वेंट्रिकल्स यानी निले में क्या हो रहा हो, संकुचन। तो आंसर होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, अ क्रॉनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल्व लीडिंग टू डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर द गैशियस एक्सचेंजेस। जहां भी बेटा हमारा नाम आता है एल्वियोलर वॉल्व खराब हो गई है, एल्वियोलाई के अंदर जो भित्ति है उसकी क्षति हो गई है, तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, एम्फाइसिमा, डायरेक्ट विकारों से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन, शोथ के लिए, और क्या सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। देखो या तो मास्ट कोशिका करती है या बेसोफिल, तो आंसर इसका होगा फर्स्ट यानी बेसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 इज, गलत कथन को चिन्हित करना है, इसमें हमें गलत कथन ढूंढना है। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml में, बिल्कुल सही है। न्यूमोटॉक्सिक केंद्र जो है पॉन्स वेरोलाई में होता है, बिल्कुल पी से पी याद रखिएगा। एस्थमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ लंग्स, नहीं, ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस को करता है, तो गलत कथन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमो रिसेप्टर्स जो हमारे आयोटिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, वो क्या चयन करते हैं, किसमें सक्रिय हो जाते हैं, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और एच प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, सक्रिय हो जाते हैं। तो आंसर जाएगा आपका थर्ड यानी CO2 एंड एच प्लस की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, मैच द फॉलोइंग करना है। देखो यहाँ ये नंबर के हिसाब से बात करनी है, तो जब भी नंबर की बात करेंगे याद रखना, नंबर के लिए आप ये ट्रिक याद रखिएगा, नल मीब, तो सबसे अधिक होते हैं न्यूट्रोफिल, वो होते हैं करीबन 60 से 65%, ठीक। इनके आधे के लमसम लिम्फोसाइट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे 20 से 25%। फिर आते हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स हो जाते हैं 6 से 8%। इसके ठीक आधे हो जाएंगे इओसिनोफिल, 2 से 3%, और बेसोफिल्स होते हैं हमारे 0.5 से लेके 1%। तो इन्हीं को हम मैच द फॉलोइंग के हिसाब से देखें, तो न्यूट्रोफिल कितने हुए 60 से लेके 65% तक, बेसोफिल्स हमारे कितने होते हैं बेटा यहाँ देखें 0.5 से लेके 1% तक, तो बेसोफिल्स के लिए ये आ जाएगा। नेक्स्ट ईओसिनोफिल्स कितने हैं 2 से 3%, तो ये सी। लिम्फोसाइट्स कितने हैं 20 से 25%, तो ये आ जाएगा आपका डी। इन ऑप्शंस में से देखें, ए के साथ बेटा हमारा 4 है, बी के साथ 3, तो आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, सीरम प्लाज्मा से कैसे भिन्न होता है, बस क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो वो हो जाएगा हमारा सीरम। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटाएं तो सीरम का निर्माण हो जाता है, उसी को हम सीरम कहते हैं, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट हैज NTA, तो क्वेश्चन को देखो वो कह रहा है कि उनके प्लाज्मा में NTA पड़ा है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर NTA होता है, बी ब्लड ग्रुप, किस रुधिर समूह की बात कर रहा है, किसी रेसिपिएंट का जो ब्लड को रिसीव करने वाला है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी।
तो बताइए कौन कौन से ये गेन कर सकता है, ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। तो बी किस किस से लेता है बेटा ब्लड? एक तो बी से लेता है और एक आपके ओ से लेता है। तो हमारा सी और डी दोनों सही होंगे। तो आंसर होगा आपका 174 का सेकेंड। नेक्स्ट 175 क्वेश्चन, गलत कथन का चयन कीजिए। मानव में हृदय एक एंडोडर्मल रूप से व्युत्पन्न है। नहीं, ये किससे होता है बच्चे? मीजोडर्म से। तो यही हमारा गलत कथन है। 176 हमसे पूछते हैं, आलिंद प्रकुंचन निलयों में कितना रक्त प्रवाह बढ़ा देता है? बेटा 30%। डायरेक्ट एक फैक्ट है, 30% रुधिर का प्रवाह बढ़ा देता है। तो फर्स्ट आंसर सही है। 177 क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के मानक ईसीजी में सूचीबद्ध अक्षरों और उनकी संबंधित हृदय क्रिया के बीच सही मिलान को खोजना है। पहला PQRST वेव होती है। पी हमें क्या दर्शाता है बेटा? हम बात करें, पी वेव क्या दिखाती है हमें? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, यानी कि आलिंद में अब क्या होने जा रहा है? संकुचन होने वाला है। तो फर्स्ट ही आंसर हमारा क्या है? सही, हमसे करेक्ट ही पूछा गया है। तो 177 का फर्स्ट। नेक्स्ट 178, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही कथन का चयन करना है। डब दूसरी हृदय ध्वनि है, बिल्कुल। डब आलिंद निलयी कपटों के बंद होने से संबंधित है? नहीं, ये बेटा हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार जो हमारे कपाट होते हैं उनके बंद होने से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत। और ये हो जाएगा सही। तो आंसर होगा आपका थर्ड, यानी ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 179, चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रूट थ्रू विच इम्पल्स और आवेग हमारा ट्रेवल करता है। कहाँ से जाता है बेटा? एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और वहां से पर्किंजे तंतु, और वहां से हृदय की पेशियों में। तो आंसर हमारा थर्ड डायरेक्ट आंसर है नोडल टिश्यूज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 180, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को हमें देखना है। इन एम्फाइसिमा, एम्फाइसिमा में या हम बोले वास्फीति में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ हो जाती है? नहीं, वहां पर क्या हो जाता है? हमारी कूपिकाएं की जो वॉल होती है, भित्ति होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यही कथन हमारा क्या होगा बच्चे? गलत कथन होगा। तो ये हमारा डिस्कशन था आज प्री AITS का, पूरा NCERT बेस्ड। एक बार आप एनालाइज जरूर करना कि अगर गलत हुआ तो क्यों। जस्ट एक बार और आप करेक्ट करिएगा, देखिएगा कि NCERT की लाइन से, और ढंग से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।